मेरे पिछले वीडियो पे मैंने दिखाया था कि मैं पहुंच गया था फोर्नोपोलिस फ्रॉम फोर्स एक बस टू टेकिंग अ बस एंड आई वाज रिसीव्ड बाय माय कॉल सर्विस होस्ट तो अपनी होस्ट मुझे आई यहां पे स्टेशन में पिकअप करने वी कैन गो अ प्लेस अ लागो द पेरी और मेरे होस्ट का घर था बहुत ही यूनिक जंगल के अंदर पहाड़ के ऊपर ये बड़ा घर जहाँ पे मेरे होस्ट रह रही थी और मैं रहने वाला था यहाँ पे दो दिन विद माई होस्ट एंड वी गोना एक्सप्लोर दिस आइलैंड ऑफ फोर्नोपोलिस जो कि मेनलैंड से एकदम कनेक्टेड ही है और बहुत खूबसूरत भी है सो लेट्स एक्सप्लोर ब्राजील एंड ब्राजीलियन हॉस्पिटैलिटी विद एक्सप्लोरर राजा तो ये रूम एयरबीएनबी में रेंट करते हैं पर आज मेरे लिए है दो दिन के लिए बहुत बढ़िया यार हाँ या विथ मिल्क लेचे राजा से राजा सी बट इन स्पेन एवरीवन सेज राहा 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 नो वन कैन से राजा एवरीवन सिंग राहा राहा या तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट बना रहे हैं ये मेरी होस्ट है नतालिया और उनकी दीदी दीदी लग रही है और बहुत बढ़िया है चलो कुछ खाते हैं अभी हम लोग आ गए उसकी दीदी के घर पे जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ एक घंटा भी नहीं हुआ है आधा घंटा भी नहीं हुआ है पर नाम भूल चुका हूँ सबके इधर बहुत बड़े बड़े घर हैं अच्छी बात है अपने इंडिया में भी बड़े बड़े घर हैं नीड हैंड हेल्प तो दोस्त मदद करो मजा आ रहा है तो उसकी दीदी इस स्टोर पे काम करती है जहाँ पे सारे इंडियन चीज़ें जैसे अपना एवरेस्ट का हिंग और हिमालय का प्रोडक्ट्स भी है अपने गणेश जी हर बार की तरह शिव जी है पार्वती है तो बहुत कॉमन है इधर भी वो तो ब्राज़ील में ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे इंडियंस हैं और हर बार की तरफ अगरबत्ती जिधर भी अगरबत्ती देखे सब इंडिया से है 50 रुपये का प्रोडक्ट है मतलब 3 रियाल और इधर ये लोग बेच रहे हैं 20 रियाल में मतलब 6 times पर ठीक है यार लग्जरी प्राइस है इंडियन चीज़ लग्जरी होती है यहाँ पे और फिर अपने होस्ट की दीदी को उनके दुकान पे छोड़ के हम लोग निकल पड़े जंगल के अंदर एक अच्छे लगुन पे अपने होस्ट की बेस्ट फ्रेंड के साथ Winds, so wind is cold. तो हम लोग जंगल के बीच से एक लेक में जा रहे हैं और देखते हैं क्या दिखाते हैं हम लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है मज़ा आ रहा है बाकी बहुत जंगली एरिया है तो देख के चलो गेटअप इन द मैया वेक अप In the morning? Yes. Por qué? I have to organize my house. Okay. For me. For me and for you. Okay. For me. सुबह 6 बजे उठ के घर साफ किया है तो सोच सकते हो सबका हालत सेम है घर उलट पलट रहता है कोई आएगा तभी साफ होगा ब्राज़ील में आए हुए मुझे 3 दिन हुए थे और मुझे पता चल गया था कि ब्राज़ील लोग ज़्यादा फिट और ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहते हैं यानी कि बाकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत ही अलग बाकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ वाले बहुत ही चिल और आराम करना पसंद करते हैं पर ब्राज़ीलियंस लव डूइंग एक्टिविटीज़ लाइक दिस एंड दैट तो इधर बहुत पंछी और बटरफ्लाई को क्या कहते हैं हिंदी में भूल गया यार बटरफ्लाई को क्या कहते भूल गया हाय भगवान हिंदी बंगाला सब भूल रहा हूँ मैं स्पेनिश पुर्तगीज के चक्कर में पर ठीक है एक बार देश 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 में जाके चाय पी लूँगा तो सब ठीक हो जाएगा फिलहाल इस लेक के अगल बगल चल रहे अभी तक कहीं भी रुके नहीं देखते हैं मेरे को पता नहीं था वरना मैं ड्रोन लाता और बढ़िया शॉट्स बनते चलो कम यूज़ करो तो बेहतर है ज़्यादा ड्रोन शॉट दोगे तो आप लोगों को आदत हो जाएगी
ये है छोटा सा लेक, इसके लिए तो हम लोग भागम भागे किए। और कहना है कि ये लेक का पानी बारिश के पानी से हुआ है, बगल में ही समुद्र है पर ये लेक है। फिलहाल देखते हैं क्या करना है। अपने साथ है दो खूबसूरत ब्राज़ीलियंस और देते रहते हैं आपको अपडेट। फिलहाल आप नज़र लीजिए, काश में ड्रोन लाता। सब आगे बिगनी पे मैं भी नहाता हूँ। चलो आज आपको फिर से पानी में लेके जाएंगे, ठीक ना? नाम लेके अपने गंगा मैया की हम चले पानी में। ठंड नहीं है उतना, ठीक ठाक है। पर ड्रोन शॉट बहुत बढ़िया था यार, पहाड़ के बीच में। पहले पहले बहुत ठंड लगती है, फिर बाद में ठीक हो जाता है। पानी का उतना डेप्थ नहीं है और पानी उतना साफ भी नहीं है। मतलब हाथ में लो तो साफ, पर नीचे उतना साफ नहीं है। डुबकी लगाते हैं। एक बार डुबकी लगा लो सब आसान हो जाता है। अगर आप मेरे वीडियोस पहले से फॉलो करें तो आपको पता होगा कि आई एम नॉट ए माउंटेन पर्सन, आई एम ए बीच पर्सन। एंड ब्राज़ील में आने के बाद मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि इसके पहले वाले कंट्री अर्जेंटीना, चिले, बोलीविया सब पहाड़ी थे। ब्राज़ील में मुझे वापस मिल गया था बीच एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट। आखिरी वाला पार्ट बहुत ख़राब होता है जहाँ पर बहुत सारे पत्थर रहते हैं, वरना बाकी नहाना सब जगह नहाया हूँ, सिर्फ वेलपराइसो छोड़ के रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो 2 घंटे से चिल करना हो गया, अभी वापस चलते हैं, ठीक है ना? तो लगो ना तो पेरिस हम लोग आ गए। अभी खाने खाने का टाइम है, गाने में बैठते और देखते क्या खाते हैं आज। What? क्या मस्त रही है लेकिन तुम्हें ना क्या? पता नहीं क्या चल रहा है इधर। ये दोनों के पे लाए, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। मैं इनका जो बोल रहे हैं वही कर रहा हूँ। Actually, I have no idea. No entiendo nada. Você está dizendo que não entende nada, mas... Pero, yo believe tudo bem. Yeah. Ah, believe, ok. Então, dá para ter mostrado aqui para ele, ó. Sim, ele vai provar e vai entender. Vamos fazer um brinde. Tu é actually vegan jagah hai. Matlab, apna vegetarian se bhi upar. Ye log dudh bhi nahi khate, kuch nahi khate. Pata nahi kya khate, dekhte hain. She in Portuguese? Saúde. Vodka. No. Que? No, vodka. You don't know what did I said? I said it's very too much soda? Soda. See, I didn't say bad. No. It's not. मैंने खराब नहीं बोला, मैंने बोला बहुत सोडा ज्यादा है। It's a Champagne-ish. But without alcohol. बिना अल्कोहल का शैंपेन है। अब 15 में सब मिलेगा, देखते हैं क्या क्या मिलता है। Acabou de sair o indiano daqui também. Gente, bom apetite, tá? Obrigada. सबको लग गया कि मैं इंडिया से, ठीक है। तो ये खाना मिला है आज, आलू है, मटर है, चावल है, सब्जी है। खाता हूँ फिर मिलते हैं।
खाना खा लिया, खाना अच्छा था पर पैसे ज़्यादा लग गए, हर जन के 22 रियल लग गए, मतलब 370 रुपये। खाना था 15 रियल का, मतलब 250 रुपये का, पर वो जूस ले लिया एक बोतल 20 का। तो अब तक का मेरा सबसे महंगा लंच कह सकते हैं आप, सबसे महंगा $5 से भी ज़्यादा, इतना महंगा तो यूरोप में भी नहीं खाया। पोपोड हो गया ना, चलो ठीक है, चलता है, थोड़ा बहुत चलता है। तेल भर रहे हैं और यहाँ पे तेल का रेट है 4.4, मतलब कितना हुआ, मल्टीप्लाई कर ले जो 16.5 से, उतना है पेट्रोल का, ठीक है ना। अगर आप मैप में फ्लोरिनोपोलिस चेक करोगे तो आपको लगेगा कि एक छोटा आइलैंड है, पर एक्चुअल में ये बहुत ही बड़ा है, टॉप टू डाउन 50 से भी ज़्यादा किलोमीटर है, और यहाँ पे कई सारी चीज़ें देखने के लिए है और एक्सपीरियंस करने के लिए, जैसे लागोना दी पेरी जो हम लोग पहले गए थे, और अभी हम लोग एकदम साउथ में एक बीच है और एक सीक्रेट वाटरफॉल है, वहाँ जा रहे हैं। और फिर बाद में आपको वीडियोज में आप देखोगे कि सामने पर मैं एक जुरेरे नाम की जगह पे वॉलंटियर कर रहा था, तो अगर सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन ज़रूर दबा देना अगर अब तक नहीं किया है, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। फिर से हम लोग जंगल में जा रहे हैं, इस बार झरने के लिए, तो अगर अच्छा झरना मिल गया मज़ा आ जाएगा। आज समुद्र था खूबसूरत, पर आज रखते हैं, एक दिन में सब नहीं करते, बहुत दिन है ब्राज़ील में, समुद्र आराम से मज़े लेंगे समुद्र। देखो जंगल में मंगल होगा आज, समझो भावनाओं को समझो और मजे लो इस जंगल को। वाह, शाम के 4 बज रहे तो अंधेरा भी हो जाएगा कुछ देर में, मजे आ रहे हैं। बस प्रॉब्लम है कि मैंने अपने हाइकिंग शूज नहीं पहने हैं, चप्पल में थोड़ा ये सब करना प्रॉब्लम होता है, शूज होता तो टेंशन नहीं होता। मज़े आ रहे वाकई में, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना मेहनत करके इतना छोटा चीज़ मिला है, पर ठीक है कंप्लेन नहीं करते। ये है अपना छोटा सा झरना आज के लिए, और पानी बहुत गंदा है तो मैं शायद नहीं जाऊँगा, बाकी देखते हैं। बहुत ठंडे पानी, और बहुत मच्छर भी इधर, सही आइडिया नहीं था आने का, बहुत मच्छर है, पर ठीक है जल्दी निकल जाएंगे। तो पानी का बुलावा आता है तो मना नहीं करते, उतर ही गया और नहा भी लिया, बहुत ठंड था पर बहुत मज़ा आया। उधर बहुत डीप है, फाइनली आ गए घर। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले दिन जहाँ पे और मस्ती हो गई ब्राज़ील में, ठीक है ना, चलो।